Challenges and opportunities for OB, organizational behavior. In the past, understanding organizational behavior was never so important for managers. Previously, मतलब पहले इतना जरूरी नहीं था कि organizational behavior को समझा जाए. But now, time is changing. Time change हो चुका है और time change हो रहा है. New employment trends like contractual jobs और downsizing are making employees more insecure. मतलब अगर आप contractual employee hire करते हैं तो obviously he is not feeling safe. इसी तरह से अगर आपकी company में या आपकी industry में अगर downsizing का trend है तो तब भी employees are not secure. They are not feeling secure. और mentally वो stress में है जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस हिट होगी ऑब्वियसली. द टिपिकल एम्प्लॉयज आर गेटिंग ओल्डर एंड वुमेन एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स आर वर्किंग टुगेदर. जो टिपिकल एम्प्लॉयज हैं जो ओल्डर हैं वो अब जो है ना रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं और अब नई जो नस्ल है वो आ रही है मैदान में और एंड दे आर वर्किंग टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. So to cope with this, मतलब इस चीज़ को handle करने के लिए managers need to follow some basic OB concepts, which are as follows. Responding to economic pressures. Managing employees in all the situation, whether the time is good or bad, is hard. मतलब हर सूरत हाल में या हर condition में employees को manage करना is not an easy thing. मतलब ये आसान नहीं है. OB suggest to reward, सेटिस्फाई एंड रिटेन एम्प्लॉयज इन गुड टाइम्स. मतलब जब आपकी इंडस्ट्री का या आपकी कंपनी में टाइम अच्छा है तो आपको चाहिए कि आप अपने एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड करें, आप उनको सेटिस्फाई करें, आप उनको रिटेन करें. और इन बैड टाइम्स, अगर बैड टाइम्स में है या अगर क्राइसिस है कंपनी को, तो कंपनी शुड फोकस ऑन एम्प्लॉयज इशूज लाइक स्ट्रेस. क्योंकि अगर कंपनी अगर स्टेबल नहीं है तो एम्प्लॉयज भी स्ट्रेस में है, तो उनको उनका स्ट्रेस रिलीव करें, उनको कोपिंग में मतलब अगर चीज़ों को समझने में उनकी उनकी हेल्प करें, डिसीजन मेकिंग में उनकी मदद करें. ड्यूरिंग डिफिकल्ट इकोनॉमिक टाइम्स लाइक इन रिसेशन, अगर फॉर एग्जांपल रिसेशन में जब अगर कंपनीज के पास ऑर्डर्स नहीं आते या ले ऑफ का वो है या डाउनसाइजिंग का ट्रेंड है और कॉस्ट कटिंग है, तो द डिफरेंस बिटवीन द गुड एंड बैड मैनेजमेंट, मतलब एक अच्छी और बुरी मैनेजमेंट का फर्क जो है वो कैन बी प्रॉफिट एंड लॉस. मतलब अगर आप अच्छा मैनेज करेंगे तो कंपनी विल अर्न प्रॉफिट. इवन सर्वाइवल एंड फेलियर, मतलब अगर आप अच्छा मैनेज कर लेते हैं कंपनी को बुरे टाइम में तो आपकी कंपनी सर्वाइव कर जाएगी, अदरवाइज फेलियर, मतलब आपकी कंपनी डिसॉल्व भी हो सकती है, वो खत्म भी हो सकती है, एक्सटिंक्शन की तरफ जा सकती है. रिस्पॉन्डिंग टू ग्लोबलाइजेशन, द वर्ल्ड हैज बिकम ग्लोबल विलेज नाउ. मतलब आप यहाँ पे बैठ के अमेरिका में काम कर सकते हैं एंड मैनेजर्स जॉब इज चेंज्ड, मैनेजर की जॉब चेंज हो चुकी है. फॉर एग्जाम्पल नोकिया, अ फिनलैंड बेस्ड कंपनी, जो कि फिनलैंड बेस्ड कंपनी है, रिक्रूट एम्प्लॉयज फ्रॉम इंडिया, चाइना और फ्रॉम अदर डेवलपिंग कंट्रीज. अच्छा, ये जो इंडिया का वर्ड है आप अक्सर बुक्स में देखेंगे तो पाकिस्तान बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि पहले ये एक इंडिया ही था, तो अभी भी पाकिस्तान और इंडिया को मिला के भी इंडिया कह दिया जाता है अक्सर. तो इंडिया, चाइना एंड फ्रॉम अदर डेवलपिंग कंट्रीज. द सिचुएशन इज, आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे इंडिया का पर्पस इनका जो है वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को उन्होंने मिलाया हुआ है. मैं सिर्फ आपको एक चीज़ एक आइडिया दे रहा हूँ कि इट ऑफन हैपन्स, ऐसा अक्सर होता है कि पाकिस्तान और इंडिया को मिला के इंडिया कह दिया जाता है. तो कंपनी रिक्रूट एम्प्लॉयज फ्रॉम इंडिया, चाइना और फ्रॉम अदर डेवलपिंग कंट्रीज. मतलब ये जो नोकिया है जो कि फिनलैंड बेस्ड कंपनी है, अपने एम्प्लॉयज रिक्रूट करती है इंडिया, चाइना और अदर डेवलपिंग कंट्रीज से. द सिचुएशन इज नाउ दैट द नॉन फिन्स हैव आउट नंबर द फिन्स एट नोकिया, रिनॉन्ड रिसर्च सेंटर इन हेलसिंकी, द कैपिटल फिनलैंड. मतलब इनका जो अपना रिसर्च सेंटर है हेलसिंकी में, वहाँ पे जो नॉन फिन्स हैं, मतलब जो लोग इंडिया, चाइना या अदर डेवलपिंग कंट्री से आए हुए हैं, दे हैव आउट नंबर द फिन्स. मतलब लोकल जो उनके अपना टैलेंट है उससे ज़्यादा उनके बाहर के एम्प्लॉयज हैं. तो इट्स द वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन. और ये और एग्जांपल्स हैं, एंड ऑटोमोबाइल कंपनीज लाइक फोर्ड, जो कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग इन ब्राज़ील,
उनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ब्राजील में है, वॉक्सवैगन जर्मन फर्म और प्लांट इनका मैक्सिको में है, मर्सिडीज जर्मन फर्म है, बीएमडब्ल्यू भी जर्मन फर्म है, और दोनों ऑपरेट कहाँ से कर रही हैं? साउथ अफ्रीका से। ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग इसका इनका पर्पज होगा, या क्या पता मटेरियल वहां से सस्ता मिलता हो, देयर कैन बी नंबर ऑफ रीजंस। टैक्सेशन भी हो सकता है, कंपनी कंट्रीज की अपनी पॉलिसीज भी हो सकती हैं। इसी में आगे फर्दर ये तीन पॉइंट्स हैं, इंक्रीज्ड फॉरेन असाइनमेंट्स, मैनेजर्स इन मल्टीनेशनल फर्म्स आर ऑफन सेंट टू फॉरेन ऑपरेटिंग डिवीजंस और सब्सिडरी इन अदर कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जो कि यूरोप में काम कर रही है, या अगर वो सब कॉन्टिनेंट में काम कर रही है जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, या बांग्लादेश है, चाइना है इस साइड पे, तो अपने मैनेजर्स को वो हो सकता है कि वो भेज दें कि आप दूसरे कंट्री में जाके काम करें, वो उनको रिप्रेजेंट करें। देयर दे हैव टू मैनेज द वर्क फोर्स विद डिफरेंट नीड्स, जिनकी डिफरेंट नीड्स होती हैं, डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं, डिफरेंट एस्पिरेशंस हैं फ्रॉम दोज उन लोगों से जो कि हमारे आसपास के लोग पाए जाते हैं। मतलब जो फॉर एग्जाम्पल एक अगर पाकिस्तानी कंपनी है और वो कोई बाहर ऑपरेट कर रही है, तो हमारे कल्चर का और बाहर के कल्चर का बहुत डिफरेंस है। अब अगर एक बंदा यहाँ से जाएगा, अगर किसी बाहर की कंट्री में जाता है, अगर किसी यूरोपियन कंट्री में जाता है, तो उसको वहाँ पे जो लोग मिलेंगे उनका कल्चरल बैकग्राउंड या उनके एटीट्यूड्स बहुत डिफरेंट होंगे उनसे जो पाकिस्तान में है। वर्किंग विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू वर्क विद आवर कलीग्स, हम अपने कलीग्स के साथ काम करते हैं, बॉसेस के साथ काम करते हैं जिनका कल्चरल बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट होता है। वॉट मोटिवेट्स मी मे नॉट मोटिवेट माई कलीग, जो चीज़ मुझे मोटिवेट करती है हो सकता है कि मेरे कलीग को मोटिवेट ना करती हो। सो टू बेटर मैनेज दिस डाइवर्सिटी, मैनेजमेंट प्रैक्टिस नीड टू बी डिजाइन टू रिफ्लेक्ट द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर्स इन विच इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। मतलब जहाँ पे कंपनी ऑपरेट कर रही है, जिस कल्चर में ऑपरेट कर रही है, तो कंपनी को चाहिए कि थोड़ा सा टच उस कल्चर का भी शो करें। देन ओवरसीइंग मूवमेंट ऑफ जॉब्स टू कंट्रीज विद लो कॉस्ट लेबर, मैनी ऑर्गेनाइजेशन हैव हेडक्वार्टर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द डेवलपिंग कंट्री। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में उनके हेड ऑफिस होते हैं, हेडक्वार्टर्स होते हैं, और मैनुफैक्चरिंग प्लांट जो है वो डेवलपिंग कंट्री में होता है, क्योंकि सस्ती लेबर वहाँ पे अवेलेबल होती है। इन दिस वे कंपनीज गेट द कॉस्ट एडवांटेज ओवर इट्स कंपेटिटर्स, बट लोकल टैलेंट सफर्स इन दिस केस। लेकिन जो लोकल टैलेंट है वहाँ का वो सफ़र करता है। फॉर एग्जाम्पल एक यूरोपियन कंट्री है और वो पाकिस्तान में आके प्लांट लगाती है, तो सस्ती लेबर तो उनको मिल जाएगी, लेकिन जो यूरोप की अपना जो टैलेंट था वो सफ़र करेगा इसमें। मैनेजिंग वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी कंप्राइज ऑफ वुमेन एंड मैन, इंडिविजुअल्स विद अ वैरायटी ऑफ फिजिकल और साइकोलॉजिकल एबिलिटीज, मतलब जो वेरी करती हैं, हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ होता है, मैनी एथनिक एंड रेशियल ग्रुप्स एंड पीपल हु डिफर इन एज एंड सेक्शुअल ऑरेंटेशन, मतलब ये सब कुछ डाइवर्सिटी में आता है। ओबी विल हेल्प टू नो हाउ मैनेजर्स कैन यूज दीज डिफरेंसेज विद इन अ ग्रुप एज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें, और एक कंपनी में एक पंजाबी एम्प्लॉई है उसके साथ, या पंजाबी कंपनी है और उसने कुछ पठान एम्प्लॉयज़ भी हायर किए हुए हैं, और उनका एक सप्लायर है जो कि पठान है, तो दे कैन यूज़ दैट एथनिसिटी, मतलब उसका जो एथनिक बैकग्राउंड है जो पठान है वो उसको यूज़ कर सकता है उस सप्लायर के साथ डील करने में। हो सकता है उनको कंपनी को कोई बेनिफिट हो जाए उससे, तो कैसे कंपिटेटिव एडवांटेज के तौर पर इसको लिया जा सकता है। व्हाट आर लीगल रिक्वायरमेंट्स इन ईच कंट्री, किसी कंट्री की लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और डज इवन डाइवर्सिटी मैटर्स, क्या डाइवर्सिटी मैटर भी करती है। जैसे गल्फ साइड पे अक्सर है कि आई डोंट नो कि अभी पॉलिसीज क्या चल रही हैं, कि अगर आप कोई कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो वहाँ पे जो आपको पार्टनर बनाना पड़ता है किसी अरबी को, या वहाँ का जो होम कंट्री है उसको, जो नेशनल है, सॉरी। Improving customer services. In today's world, majority of people in the country work in service sector. ज़्यादातर लोग service sector से मुंसलिक हैं। 80% in the people in US और 73% in Australia
69% परसेंट इन यूके, 68% इन जर्मनी एंड 65% इन जापान। सर्विस जॉब्स इंक्लूड टेक्निकल सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव्स, सेल्स ऑफिसर्स, क्रेडिट रिप्रेजेंटेटिव्स, फ्लाइट अटेंडेंट्स, फाइनेंशियल प्लानर्स और वेटर्स एटसेट्रा। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस जॉब इज इंटरेक्शन विद कस्टमर्स, इन्होंने कस्टमर से बातचीत करनी होती है ऑब्वियसली। ट्रेन दीज इम्प्लॉयज इनफ सो दैट दे कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन आस्क बाय द कस्टमर्स एंड प्रोवाइड दम बेस्ट सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स। अब कस्टमर सर्विसेज में टेक्निकल रिप्रेजेंटेटिव या टेक्निकल सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, आप अगर देखें कि आपके घर में इंटरनेट लगा हुआ है और इंटरनेट अगर स्लो आता है या उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है और आप उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, तो वहां पे टेक्निकल सपोर्ट स्टाफ अवेलेबल होता है जो कि वहीं पे अपने सिस्टम से बैठे बैठे आपका जो प्रॉब्लम है वो अक्सर रिजॉल्व हो जाता है। तो इसलिए जो इंटरेक्शन विद कस्टमर है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके बगैर कंपनी चल ही नहीं सकती, क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकती। ट्रेन दीज इम्प्लॉयज इनफ सो दैट दे कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय कस्टमर्स। उनकी ट्रेनिंग इस तरह की होनी चाहिए कि उनको कोई क्यूरी आंसर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें किसी प्रॉब्लम का। मैनी कंपनीज फेल बिकॉज दे कुडंट प्रोवाइड द बेटर कस्टमर सर्विसेज, क्योंकि वो बेटर कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकें इसलिए वो फेल हो गई, एंड एज अ रिजल्ट दे लूज कस्टमर्स, उन्होंने कस्टमर लूज किए, सो हैड टू वाइंड अप और उन्हें अपना जो बिजनेस है वो वाइंड अप करना पड़ा। इम्प्रूविंग पीपल स्किल्स, इट इंक्लूड्स मैनेजर्स शुड बी केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड द पीपल एट वर्क, कि वो लोगों को समझ सकें जो उनके साथ काम कर रहे हैं या जो उनके अंडर काम कर रहे हैं। ओबी विल टेल हाउ टू डिजाइन मोटिवेटिंग जॉब्स, के मोटिवेटिंग जॉब्स कैसे डिजाइन की जा सकती हैं कि लोग शौक से काम करें। हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव टीम्स कैसे बनाई जा सकती हैं। टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग योर लिसनिंग स्किल्स, कि अगर आपके एम्प्लॉयज अगर आपको कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो हेजिटेशन फील ना करें, और या अगर वो कुछ नहीं भी कह पा रहे तो भी आप उन्हें उनकी बात को समझ सकें। स्टिमुलेटिंग इनोवेशन एंड चेंज, ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ओपन इनफ टू एक्सेप्ट चेंज एंड ब्रिंग इनोवेशन, मतलब टाइम चेंज हो रहा है ठीक है, तो उसके साथ साथ इनोवेशन बहुत आ रही है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, हर हर फील्ड में चेंजेस आ रही हैं। ऑर्गेनाइजेशंस हु डोंट अडॉप्ट चेंज एंड इनोवेट देयर सर्विसेज, प्रोडक्ट्स और प्रोसीजर्स ऑफ डूइंग द बिजनेस बिकम्स एक्सटिंक्शंस, मतलब वो खत्म हो जाती हैं, उनका नाम नहीं रहता फिर। सो कंपनीज शुड अडॉप्ट चेंज एंड ब्रिंग इनोवेशन टू अट्रैक्ट कस्टमर्स एंड रिमेन इन द कंपटीशन। एक एग्जाम्पल मैं कोट करना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे ये शीशा फैक्ट्रीज होती हैं, गन ग्लास है, गनी ग्लास है, और इसी तरह से तारिक फ्लोट ग्लास है। पहले कंपनी हुआ करती थी शीट ग्लास फैक्ट्री नौशहरा में, वो सेमी गवर्नमेंट टाइप थी। टाइम चेंज होता गया और शीट ग्लास के साथ साथ फ्लोट ग्लास भी आ गया, शीशे की क्वालिटी चेंज हो गई, उसकी थिकनेस कम होती चली गई, लेकिन उन्होंने क्योंकि अपने उसको अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं की, प्रोडक्ट्स को चेंज नहीं किया, इनोवेशन की तरफ लोग गए ही नहीं, बल्कि उसकी उसके मुकाबले में ये सारी कंपनीज बाद में आई, ये गन ग्लास आई, देन ये तारिक फ्लोट आई, गनी ग्लास आई, और वो क्योंकि इनोवेटिव थी, उन्होंने इनोवेटिव स्टाइल्स अडॉप्ट किए, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाई मार्केट में, और आज वो मार्केट का अच्छा खासा शेयर कैप्चर करके बैठे हुए हैं। और जो ग्लास शील्ड फैक्ट्री नौशहरा जो कि जिसका एक नाम था वो खत्म हो चुकी है, उसका आज एक भी एम्प्लॉय नहीं है और वो एक्सटिंक्शन हो चुकी है, उसने उसको अपना बिजनेस ही वाइंड अप करना पड़ गया। सो कंपनीज शुड अडॉप्ट चेंज एंड ब्रिंग इनोवेशन टू अट्रैक्ट कस्टमर्स, न्यू कस्टमर्स एंड रिमेन इन द कॉम्पिटिशन। कोपिंग विद टेम्पोरेरीनेस, के टेम्पोरेरीनेस को कैसे कोप किया जा सकता है। कंपनीज को अक्सर शॉर्ट टर्म काम करना पड़ता है, उसको टेम्पोरेरीनेस कहते हैं। कंपनीज नीड टू गो फास्ट एंड फ्लेक्सिबल टू कम्पीट एंड सर्वाइव इन टूडेज वर्ल्ड। अगर एक कंपनी फॉर एग्जाम्पल एक सर्विस सेक्टर में है या एक एयरलाइन एविएशन से उसका ताल्लुक है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको कोई टिकटिंग की कोई कंपनी लेते हैं या जैसे ट्रेवल एजेंसी है फॉर एग्जाम्पल,
और अगर आपके पास एक कस्टमर आता है और वो आपसे टिकट के साथ साथ कहता है कि यार मुझे आप होटल भी अरेंज करके दें, मुझे आप वहाँ पे ट्रांसफर भी अरेंज करके दें अदर किसी जो होस्ट कंट्री है वहाँ पे, तो उनको करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस लूज हो जाएगा, वो किसी और के, वो जो कस्टमर है वो किसी और के पास चला जाएगा। सो दे हैव टू अडॉप्ट स्ट्रेटजीज। अच्छा, ये अडैप्ट और अडॉप्ट इकट्ठा लिखा हुआ है, इट्स जस्ट अडॉप्ट, वन अडॉप्ट। Adopt strategies like globalization, expansion, or technological changes. Temporariness refers towards strategy for current season, एक सीजन के लिए भी हो सकती है। For specific customer, एक कस्टमर के लिए भी हो सकती है। For a running project in the market scenario, little technological changes, even varying working hours, जो अगर आप टाइम भी ज़्यादा करते हैं ऑफिस का, या अगर आप 9 to 5 है तो अगर आप उसे 10 to 6 भी करते हैं किसी रीजन से, तो वो भी टेम्परेरीनेस ही है, टेम्परेरी एम्प्लॉइज एटसेट्रा। मैनेजर्स शुड बी स्किल्ड एंड ट्रेन्ड इनाफ टू कोप विद दिस टेम्परेरीनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पॉन्टेनिटी एंड अनप्रेडिक्टेबिलिटी। वर्किंग इन और नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस एनेबल एम्प्लॉइज टू कम्युनिकेट एंड पार्टिसिपेट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। मतलब नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जो लैपटॉप्स के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू जो कनेक्टेड हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स जॉब इज सो चैलेंजिंग, मैनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, एज इट इज डिफिकल्ट टू मोटिवेट एंड लीड पीपल और एम्प्लॉयज सिटिंग इन अदर सिटीज और अदर कंट्रीज देन मैनेजिंग एम्प्लॉयज फिजिकली प्रेजेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक कुछ एम्प्लॉयज हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हैं, उनको मैनेज करना आसान है बनिस्बत उनके उन एम्प्लॉयज के जो कि दूर बैठे हुए हैं, जिनके ऊपर आप चेक नहीं रख सकते हैं। आप उनको प्रॉपर अपनी बात कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप उनको अपना प्रॉपर कल्चर इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते, और काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंसेस होती हैं। मतलब इट इज़ नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ डिफिकल्ट। ओबी विल गाइड मैनेजर्स, ओबी मैनेजर को गाइड करता है व्हाट स्किल दे शुड डेवलप टू मैनेज द वर्क इन दिस सिचुएशन। और ये सब कुछ मेरे ख्याल से हम आगे इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हेल्पिंग एम्प्लॉयज बैलेंस वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। मतलब वर्क और लाइफ को साथ साथ कैसे लेके चला जा सकता है। 9 to 5 जॉब्स आर नाउ द टॉक ऑफ द गॉन डेज। अभी पुरानी बातें हो चुकी हैं कि 9 to 5 जॉब की और घर आके बैठ के सामने बहुत काम कर रही है, खत्म। अब ऐसा नहीं होता, ये पुरानी बातें हो गई हैं। प्रियोरिटीज ऑफ बोथ एम्प्लॉयज एंड कंपनीज आर चेंजिंग। एम्प्लॉयज आर नाउ कंप्लेनिंग दैट द लाइन बिटवीन द वर्क टाइम एंड नॉन वर्क टाइम इज गेटिंग ब्लर्ड। मतलब समझ ही नहीं आती कि मैं जॉब पे हूँ या नहीं हूँ, मतलब हर टाइम तो फोन बज रहा होता है, वी आर ऑन कॉल, एवरीबडी इज ऑन कॉल, स्पेशली जो सेल्स स्टाफ है। रीजंस, रिसर्चर्स हैव फाउंड 4 रीजंस बिहाइंड दिस कॉन्फ्लिक्ट। 4 रीजंस बताई गई हैं। फर्स्टली, द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स वर्ल्ड नेवर स्लीप्स। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में अगर रात है तो अमेरिका में दिन है, तो अगर एक कंपनी यहाँ पे बैठ के अमेरिका में डील कर रही है तो इसका मतलब है कि वो उसको काम करना पड़ेगा वहाँ पे, या पाकिस्तान वाले को काम करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो जो वर्क वर्क लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यहाँ से रेज होता है। सेकंड, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलाउ मैनी प्रोफेशनल्स एंड टेक्निकल एम्प्लॉयज टू वर्क एनीवेयर फ्रॉम द वर्ल्ड, कहीं से भी बैठ के वो काम कर सकते हैं। तीसरा, ऑर्गेनाइजेशंस आर आस्किंग एम्प्लॉयज टू स्पेयर मोर टाइम फॉर जॉब, कि वो जॉब्स को ज़्यादा टाइम दें। फाइनली, द राइज ऑफ ड्यूअल करियर कपल मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर मैरिज एम्प्लॉयज टू फुलफिल द कमिटमेंट्स टू होम। मतलब मियाँ बीवी दोनों अगर काम करते हैं तो वो भी अपने घर को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते। द फॉलोइंग इमेज विल ग्रेटली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, ये मुझे मेरे दोस्त ने, बल्कि ये एक व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया हुआ था, फिर मैंने उसको स्पेशली मंगवाया उससे ये। वेन बोथ माउंटेन्स एंड मैनेजर्स कॉलिंग यू एट द सेम टाइम। अब इस बेचारे ने क्या एंजॉय किया होगा, ये वहां पे लैपटॉप लेके चला तो गया है, लेकिन ये कि चलो, तो दिस इज बिकमिंग अ बिग प्रॉब्लम फॉर एम्प्लॉयज। क्रिएटिंग अ पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। ऑर्गेनाइजेशंस आर नाउ टेकिंग पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट एज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। मतलब अगर पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट होगा तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयज हैं वो अपना बेस्ट देंगे,
और उससे ऑब्वियसली जो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो इफेक्ट होगी पॉजिटिवली। ओ बी रिसर्चर्स आर फोकसिंग ऑन पॉजिटिव वर्क स्कॉलरशिप। अच्छा, ये स्कॉलर्स भी हो सकता है। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट विच स्टडीज हाउ ऑर्गेनाइजेशंस आर डेवलपिंग ह्यूमन स्ट्रेंथ्स, ऑर्गेनाइजेशंस कैसे अपने ह्यूमन स्ट्रेंथ्स को ज़्यादा डेवलप कर रही हैं। वाइटलिटी मतलब उनकी जो इम्पोर्टेंस है। रेजिलियंस मीन्स रिकवरी फ्रॉम द डिफिकल्ट टाइम्स या डिफिकल्टी। एंड अनलॉकिंग पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल को कैसे अनलॉक कर रही हैं। ओ बी ऑल्सो फोकसेस ऑन व्हाट्स रॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इट्स एम्प्लॉयज, के एम्प्लॉयज या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्या बुरा चल रहा है, व्हाट्स गुड अबाउट देम या उनके बारे में क्या अच्छा है। रिसर्चर्स हैव फाउंड पॉजिटिव वेरिएबल्स आर एंगेजमेंट, मतलब कि आप उनको अपने साथ एंगेज करें, एम्प्लॉयज को ऑप्टिमिज्म पॉजिटिवनेस होनी चाहिए, होप एंड रेजिलियंस, रेजिलियंस सेम के रिकवरी। पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल स्कॉलर्स हैव स्टडीड अ कॉन्सेप्ट दैट इज रिफ्लेक्टेड सेल्फ बेस्ट सेल्फ, कि उन्होंने अपना जो बेस्ट है ना बेस्ट सेल्फ वो रिफ्लेक्ट किया है। मीन्स बेस्ट थिंग और एक्सपर्टीज ऑफ एम्प्लॉय, कि एक एम्प्लॉय में जो सबसे अच्छी चीज़ क्या है। इग्नोरिंग द डेफिशिएंसीज एंड लिमिटेशंस, के वो क्या नहीं कर सकता या उसकी डेफिशिएंसीज क्या हैं, हम जो ब्राइटर साइड है उसके ऊपर फोकस करें। फोकस ऑन व्हाट एम्प्लॉयज आर गुड एट, किस चीज़ में अच्छे हैं, एंड एक्सप्लॉइट देयर स्ट्रेंथ्स, और उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनका बेस्ट यूज़ किया जाए। लास्ट टॉपिक, इम्प्रूविंग एथिकल बिहेवियर। इन टूडेज वर्ल्ड फुल ऑफ टफ कंपटीशन, स्ट्रेस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, के प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है ताकि हायर प्रॉफिट्स अर्न किए जा सकें। एम्प्लॉयज ऑफन ऑप्ट टू ब्रेक रूल्स, रूल्स ब्रेक करते हैं, अडॉप्ट अनएथिकल प्रैक्टिसेस एंड इंगेज इन क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय से ज़्यादा काम लिया जा रहा है या अगर वो ओवर बर्डन है तो हो सकता है कि वो कोई बहाना करके और बाहर चला जाए, या अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सेल्स का अगर कोई सेल्स स्टाफ है वो उसको कंपनी वाले सुबह बाहर निकाल देते हैं कि जी आप सेल लेके आए, और वो सारा दिन बाहर घूमता है, और हो सकता है कि वो अगर 6 घंटे बाहर रहा है तो वो उसमें से 4 घंटे काम करे, बाकी 2 घंटे वो कहीं पे बैठ के चाय पी रहा हो सकता है। तो इट्स एन अनएथिकल प्रैक्टिस, बट लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, ये भी एक क्वेश्चन है। एम्प्लॉयज ऑफन फेस इन डेली रूटीन एथिकल डायलामास इन विच दे हैव टू मेक चॉइसेस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, इसमें करप्शन भी आ जाती है। इन ग्लोबल इकोनॉमी वेयर कल्चर वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, जहाँ पे कल्चर वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमिन व्हाट इज एथिकली राइट एंड रॉन्ग। हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी थी, एक तो एक अरब कंट्री था और दूसरा आई बिलीव जापान था या जर्मन था, कि अरबी क्योंकि इतना ना बड़े चिपक चिपक के बैठते हैं सारे, और जो दूसरे हैं जो जापानीज थे या जर्मन थे वो दूर रहना पसंद करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जब ये लोग जब जर्मन या आई एम नॉट श्योर कि वो जर्मन हैं या जापानीज हैं, तो ये जब अरब के पास जाते थे तो वो बड़े गले मिलते थे इनसे। तो उन्होंने क्या किया, वो तंग आके उन्होंने जब उन्होंने अरबियों को अपने पास बुलाया तो उन्होंने सीट्स को मतलब वहां पे अपनी जगह पे फिक्स कर दिया, वो हिला ही नहीं सकते थे। वरना ये क्या करते थे कि ये जो ना सीटों को मतलब आपने बेशक सीट्स अगर दूर दूर रखी भी हुई हैं तो ये इकट्ठी कर लेते थे एक जगह पे। तो कल्चर का वेरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। हाउ मैनेजर्स इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस इन डिफरेंट वेज, फॉर एग्जाम्पल राइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कोड्स ऑफ कंडक्ट, कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट लिख के लगाया हो हर जगह पे कि व्हाट इज एक्सेप्टेबल और एंड व्हाट इज नॉट। ऑफरिंग सेमिनार्स करवाएं, वर्कशॉप्स करवाएं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाएं टू इम्प्रूव एथिकल बिहेवियर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मैनेजर्स आर क्रिएटिंग प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स टू प्रोटेक्ट द एम्प्लॉई हु रिवील द इंटरनल अनएथिकल प्रैक्टिस, कि अगर कोई एम्प्लॉई अनएथिकल प्रैक्टिस को रिपोर्ट करता है तो उसको प्रोटेक्शन दी जा सके। दिस वॉज इट जी, यहाँ पे हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। इसमें हो सकता है काफ़ी जगह पे कोई मिस्टेक्स भी हो, तो आप मुझे इसमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं
और वेबसाइट पे कमेंट भी कर सकते हैं और वेबसाइट पे भी मेरे साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं।